मेरी सहेली के प्रायोजक हैं महिला मंडल पंजाबी बाग। मैं सोनम शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम मेरी सहेली में। आज मैं आपके साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ मेरी सहेली। मेरे साथ है मेरी सहयोगी और दो मेहमान। मेहमानों से इंट्रोड्यूस कराऊँ उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगी मेरी सहयोगी तृप्ति शर्मा से। आइए मैम, बताइए आपको कैसा लग रहा है और बताइए कि सहेली का क्या, सहेली एक ऐसा वर्ड है जिसे सारे दुख सुख शेयर किए जा सकते हैं, तो आपको मतलब आपके लिए क्या मायने रखता है ये? बिल्कुल। नमस्कार सोनम जी और MMBB आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सोनम जी, मैं बात करूँ मेरी सहेली की, तो मेरे लिए सहेली का जो महत्व है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिए मेरी सहेली ऐसी है जिसे मैं हर एक चीज़ को शेयर कर सकती हूँ। तो कहा जाए सिंपल भाषा में, तो सहेली का जो महत्व है वो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं यही क्वेश्चन आपसे भी करना चाहूँगी, आपकी ज़िंदगी में सहेली का क्या महत्व है? मेरी ज़िंदगी में सहेली मतलब सुख हो तो शायद वो नहीं आए, लेकिन दुख होता है तो वो ज़रूर आती है, और मैं उससे हर सुख दुख छोटा मोटा जैसा भी कोई पल होता है मैं उसके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। मुझे पता है कि मेरी बैकबोन में एक मेरी सहेली खड़ी है हमेशा, जिसको मैं कॉल करूँगी वो आ जाएगी, और मतलब मस्ती हो चाहे दुख हो वो हमेशा साथ होती है। अभी हम अपनी दो मेहमानों मीना गुप्ता जी से और किरण गोयल जी से बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में सहेली का क्या मतलब। मैम, आपसे जानना चाहूँगी सहेली का क्या मायने, सहेली वर्ड का क्या मायने आपके मतलब? नमस्कार MMBB आवाज़ चैनल में। मैं सहेली का मायना मतलब बयान नहीं कर सकती, सहेली के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। अपना दुख सुख जो अपनी भाषाएँ हैं, मिलना जुलना, दुख सुख मिलना जुलना, और जब हम एक दूसरे ड्रेस भी पहनते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि दोनों एक ड्रेसअप के अंदर जाएं, हम दोनों इकट्ठा जाएंगे, इकट्ठा खुश होते हैं। जब हम घूमने जाते हैं सन 2000 में से हम दोनों इकट्ठा हैं, और आज 21 साल हो गए हैं सहेली के बिना। तो कहते हैं ना, सब कुछ फीका है, कुछ है ही नहीं। मीठा है तो सहेली है, दुख है सुख है सहेली है। अपनी छोटी सी छोटी बात को शेयर मैं किरण जी से ज़रूर करती हूँ, चाहे वो बहू की है चाहे वो बच्चों की है, किसी भी कोई भी बात है नहीं, तो हम दोनों अपनी दुख सुख की बातें करते हैं और इसी से बड़ा अच्छा लगता है कई बार। अब सेम क्वेश्चन मैं किरण जी से पूछना चाहूँगी, मैम आपकी ज़िंदगी में सहेली के क्या मायने हैं? हमारी मीना जी के से मेरी जो दोस्ती है वो 20 साल की हो गई है। जब हमने महिला मंडल पंजाबी बाग बनाया तभी से हम दोनों दोस्त बन गए थे, और मैं अपने वैसे अकेली सिस्टर हूँ तो मुझे इस बात की कमी बहुत खलती थी कि मेरी कोई बहन नहीं है। तो मीना जी मेरी बहन हैं बिल्कुल, मैं हर एक चीज़ उनसे शेयर करती हूँ, चाहे वो दुख की बात हो चाहे सुख की बात हो। और हम दोनों सेम ग्रुप सेम एज के हैं, हमारे बच्चे भी सेम एज के हैं, इसलिए हम लोगों की दोनों की बहुत बनती है। हम लोगों को कहीं जाना है, घूमने जाते हैं, हम लोग सब इकट्ठे जाते हैं। हम हमारे जो फैमिली रिलेशंस हैं वो भी दोनों के बहुत अच्छे हैं। कोई भी बात हो हम दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से शेयर करते हैं। और बेशक वैसे ये प्रेजिडेंट हैं महिला मंडल पंजाबी बाग की, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, और ये मुझे बहुत गाइड करती रहती हैं। मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा है, कोई भी बात कैसे लोगों में कितना सहनशीलता रखनी चाहिए, जल्दी से गुस्सा नहीं होना चाहिए, और कैसे दूसरों के साथ मिलना जुलना, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और जैसे कि अब हम लोग हमेशा साथ ही रहते हैं। सबना जी इस टाइम प्रेशर में है, बाद में वो अपने आप ठीक हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ और मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इनका गुस्से का लेकिन मैं इनसे सीखा बहुत है। आप सीनियर हैं तो आप सहेलियाँ भी हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं, मतलब इस चीज़ को कैसे देखता? और हम मैं ही डांट देती हूँ, क्योंकि मैं बोल्डनेस है मेरे अंदर, अगर डिसिप्लिन नहीं होता तो मैं इसको कहती हूँ नहीं किरण भाभी ये कार्य ऐसा होना चाहिए। कई बार ये मुझे कह देती है नहीं भाभी आप खर्चा बहुत करते हो, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं यार, खर्चा होने दो, आ जाएगा ईश्वर देगा अपने आप। तो हमारी ये नोक झोंक तो चलती रहती है अक्सर, और मैं तो अक्सर इन सबको डांटती हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज बनता है बड़े होने के नाते। कई बार मेरे अंदर बोल्डनेस है कि मैं बड़ी हूँ, डांट सकती हूँ, लेकिन फिर मैं इनको बड़े प्यार से पुचकार लेती हूँ कि गलती बड़ों से होती है तो छोटों को पुचकार लेना चाहिए। तो हमारा प्यार है दोनों का आपस में, खट्टी मीठी झोंक नहीं होएंगी तो दोस्ती नहीं चलती। और मैं ये कहती हूँ कि ये दोस्ती और हम दोनों कायम रहें, भगवान हमारी दोनों की उम्र इतनी लंबी लगाए, और हम इस संस्था को दोनों
आज हमारा आने वाला समय में 25 इयर्स के अंदर हम आप इसकी एनिवर्सरी मनाएंगे और यही मेरा कहना है। और दोस्ती की कायम कोई कहते हैं ना, दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती, वो दोस्त वही होते हैं। तो हम जब कहीं भी जाने का मज़ा का होता है दोस्त का, बड़े परिवार में बच्चे वो सब तो रहते ही हैं लेकिन दोस्त के बिना कहीं भी आनंद नहीं आता। हम ताश बहुत खेलते हैं दोनों कभी कभार, अब तो हमने छोड़ दिए कोरोना टाइम में, लेकिन हमारी दोस्ती हर समय हर मतलब समाज के अंदर ये जानी जाती है। मीना और किरण कहते हैं जब सूरज उगता है तो किरण हमें प्रकाश देती है, तो वो प्रकाश मेरी बहन किरण जी हैं, वो मेरे को हमेशा प्रकाश देती है। ऐसी जारी रहेगी, चलिए एक चलते एक छोटे से ब्रेक पर। महिला मंडल पंजाबी बाग, प्राइमर केयर फाउंडेशन, इंपीरियर वेडिंग्स, अमान्य ज्वेलर्स। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, दोबारा चलते हैं दोनों सहेलियों के पास। और मैं पूछना चाहूंगी कि मैम, कोरोना काल इतना लंबा भी लॉकडाउन का समय चला, तो आपने कैसे मैनेज किया, आपको कितनी याद आई एक दूसरे की, और कैसे आपको कुछ दोस्ती में फर्क नजर आया कोरोना में या नहीं? ये 10 महीने का लॉकडाउन रहा लेकिन हमारी रोज फोन पे बात होती थी कि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमने क्या बनाया है। हम रहते थे फैमिली के साथ रहते थे। मैम, आपसे MMBB आवाज़ के दर्शकों के लिए एक संदेश चाहेंगे, कुछ सहेलियों के लिए संदेश कि कैसे सहेलियों को रहना चाहिए साथ में और कैसे सब मैनेज करना चाहिए। जी, सहेली वो होती है जो दुख में काम आए, सुख में तो हर कोई आता है, सहेली होती है और वो हमारा खुद का दोनों का है। जबकि कोरोना काल का समय आया, पहले किरण की मदर गुजरी और उसके बाद मेरी मदर गुजरी, लेकिन हमने दोनों ने दुख सुख को बांटा और हमारा दुख दोनों का बहुत अच्छे से निकला और बड़ी प्यार से हम बातें भी करते थे। कोई बात नहीं भाभी, ये तो समय ही ऐसा था, जाना ही था, जैसा भी भगवान ने कहते हैं ना, जो लिखा हुआ है वो होता ही है। तो हम दोनों की अक्सर कभी इन्होंने कुछ बनाया मेरे भेज दिया, मैंने बनाया इनके यहाँ भेज दिया, तो हमारे दोस्ती का मतलब समझ ये नहीं आया। हमें सहेली बना बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही हमारा थोड़ा सा समय बीता अच्छा, उसके बाद मैंने घर पे एक लंच रखा कि आज आज सब हम लंच करेंगे। तो कोरोना काल में भी हमने लंच से अपना बताया कि हम सहेली क्या हैं, पिक्चरें डाल दी, तो उससे भी हमें याददाश्त रही कि एक दूसरे की हमने याददाश्त को खोया नहीं कि हम कहाँ हैं। बच्चे भी कहते हैं मम्मी आप किरण आंटी को डांट भी देते हो, मैंने कहा कोई नहीं, हम मैं नहीं डांटूंगी तो कौन डांटेगा, इनकी सिस्टर कौन है, मैं हूँ, माँ हूँ तो मैं हूँ। अब हम दोनों की एक दूसरे की माँ हम आपस के अंदर ही है। मैं आपसे भी एक संदेश चाहूंगी अपने दर्शकों के लिए, जो सहेलियां हैं, सहेली दर्शक जो देख रही हैं उनके लिए एक संदेश चाहूंगी आपसे। तो मीना जी, मैं वैसे तो ज्यादातर अच्छाई है लेकिन कभी कभी जब बुराई जो भी होती है तो वो मैं बता देती हूँ कि भाभी ये यहाँ पे गलती, और भाभी भी मीना जी भी मुझे बता देती है कि भाई किरण तेरे से ये गलती हुई है, तो हमें उनकी बुराइयों को भी ऐसी अच्छाइयों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मीना जी कई बार मुझे कह देती हैं, कुछ कह देती हैं, तो उस टाइम ये होता है कि हम लोग ग्रुप में बैठे हों या कुछ हो तो उस टाइम हमें इग्नोर करना चाहिए, और जब हम अकेले में हों तो उस बात को जो है कि मतलब सुधार लेना चाहिए कि कहाँ पे क्या गलती हो गई है। देखा आपने सुख दुख का रिश्ता को बताया, सहेलियों का महत्व। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम मेरी सहेली।